याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी आवाज और अभिनय ने फिल्म जगत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक बार फिर से आ जा, दिल में मेरे समा जा। और जिसकी बात कर रहे हैं वो खुद ही नहीं आए बल्कि उनके दोस्तों ने उन्हें चढ़ा बढ़ाकर मुंबई भेजा। दिल दिया, हाय ये क्या किया। नियति देखिए कि उनकी पहली फिल्म ही सुपरहिट हो गई और वो हिंदी सिनेमा का जगमगाता सितारा बन गए। चांद सी सूरत नजर आए। लेकिन दोस्तों, एक समस्या थी और समस्या ये थी कि इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये अभिनय करे। वो चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने या फिर वकील बने। कशिश देख लेना, वो खुद ही चले आएंगे पास मेरे। दोस्तों, हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में केएल सहगल साहब का स्टारडम था और इनकी तुलना केएल सहगल साहब के साथ होने लगी। पिछा रही है क्यों रात की स्याही। फिल्मों में काम करने के लिए इन्होंने अपने पिता को बहुत मनाया और फाइनली इनके पिताजी मान गए। लेकिन इनके सामने उन्होंने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर फिल्मों में काम करना है तो फिल्मों में तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारी डिग्री भी आनी चाहिए। मेरा जहां आबाद है, मेरा जहां। तो दोस्तों, बता सकते हैं कौन थे ये अभिनेता? चलिए मैं ही बता देती हूँ। इन्हें गरीबों का देवदास कहा जाता था। ये अभिनेता थे सुरेंद्रनाथ शर्मा। जो बेहद आकर्षक और सुरीली आवाज के मालिक थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुरेंद्र के बारे में, तो बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। संगीत मेरी जागीर नहीं है मगर मेरी जिंदगी जरूर। कहा जाता है कि तानसेन न होते तो बैजू बावरा भी न होते, और बैजू बावरा फिल्म में तानसेन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता थे सुरेंद्र। महान फिल्म बैजू बावरा बैजू के जीवन पर आधारित थी, लेकिन बैजू बावरा न बनता अगर तानसेन न होते, और उस फिल्म में तानसेन की भूमिका निभाने वाले कलाकार ने बहुत प्रशंसा पाई क्योंकि उस्तादों के गाए गानों पर लिपसिंग करना आसान नहीं होता था। लेकिन सुरेंद्रनाथ ने इस गाने को बहुत ही अच्छे ढंग से किया, तो महान फिल्म मेकर के आसिफ ने जब अपनी ड्रीम और बड़ी फिल्म मुगले आजम बनाई तब भी उन्होंने तानसेन का रोल सुरेंद्रनाथ को ही दिया। इनके अभिनय क्षमता और सुरीली आवाज से के आसिफ बहुत प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ को फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा केएल सहगल कहा जाता था। मेरा जहां आबाद है, मेरा जहां। सुरेंद्रनाथ बीए एलएलबी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बनाया था। इस फैसले से उनके पिता सहमत नहीं थे और उन्होंने सुरेंद्रनाथ के बहुत कहने पर एक शर्त रख दी कि वो फिल्मों में अपने पूरे नाम के साथ अपनी डिग्री भी लिखेंगे। लेकिन आज भी लोग उन्हें केवल सुरेंद्र के नाम से ही जानते हैं। बाद के दौर में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं की जिस वजह से बहुत से दर्शक उनको मुख्य कलाकार न समझकर केवल सह कलाकार ही समझते थे, मगर ऐसा नहीं था। वो 30 के दशक के माने हुए फिल्मों के नायक थे। उन्होंने मुख्य भूमिका में अपने दौर के नामी अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया था। सुरेंद्रनाथ का जन्म 11 नवंबर 1910 को पंजाब प्रांत के बटाला शहर गुरदासपुर जिला ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम रलिया राम शर्मा था। उन्होंने बटाला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में पिता के कहने पर अंबाला की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी किया। वकालत की डिग्री लेने के बाद वो अब वकालत में अपना करियर शुरू करना चाह रहे थे, मगर तभी कहा जाता है कि दिल्ली के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर लाला आलोपी प्रसाद की नजर उन पर पड़ी।
उन्होंने सुरेंद्रनाथ को फिल्मों में काम करने की सलाह दी। उस समय फिल्मों में काम करने के लिए दो मुख्य बातें हुआ करती थी, एक खूबसूरत चेहरा और दूसरी सुरीली आवाज, और दोनों ही गुण इनमें मौजूद थे। अपने कॉलेज में होने वाले फंक्शनों में ये भाग लिया करते थे और अपने दोस्तों के बीच ये बहुत मशहूर थे। इनके दोस्तों ने ही इन्हें सलाह दी कि तुम जाके फिल्म इंडस्ट्री में एक बार ट्राई करो, और इन्हें भी लगा कि इन्हें करना चाहिए, तो ये निकल पड़े मुंबई के लिए। मुंबई आकर उन्होंने जाने माने फिल्म मेकर महबूब खान से मुलाकात की, जो उस समय सागर मूवी टोन नाम की फिल्म कंपनी में काम कर रहे थे। महबूब खान ने उन्हें 1936 में बन रही फिल्म डेक्कन क्वीन में अभिनय करने का अवसर दिया। इस फिल्म में सुरेंद्रनाथ का गाया एक गाना बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे, विरह की आग लगी मेरे मन में, आग लगी मेरे मन में। यह गाना केएल सहगल साहब की फिल्म देवदास के गाने बालम आए बसो मोरे मन में की धुन पर ही बनाया गया था। इस फिल्म का अन्य गीत सुरेंद्र द्वारा गाया एक लोकप्रिय गजल थी, उनके खूबसूरत चेहरे और सुरीली गायन क्षमता ने उन्हें केएल सहगल का विकल्प माना जाने लगा था। 30 के दशक में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हुआ करते थे। मुंबई फिल्म मेकर कलकत्ता के कलाकारों को लुभावने ऑफर दिया करते थे, और बहुत से अदाकार कलकत्ता छोड़कर मुंबई चले भी आए थे। जब फिल्म देवदास को अपार सफलता मिली तो महबूब खान को भी ऐसी ही फिल्म बनाने का ख्याल आया, और अब अच्छी बात ये थी उनके पास एक अच्छी आवाज सुरेंद्रनाथ जैसे कलाकार के रूप में थी, जो सहगल साहब की आवाज को टक्कर दे सकती थी। साल 1936 में उन्होंने सुरेंद्रनाथ को लेकर फिल्म मनमोहन बनाई, जिसको जिया सरहदी ने लिखा था, और फिल्म में बिब्बो उनके साथ अभिनेत्री के तौर पर काम कर रही थी। यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद सुरेंद्र को गरीबों का देवदास कहा जाने लगा। इसी साल सागर मूवी टोन के बैनर तले एक और फिल्म आई, ग्राम कन्या। ये फिल्म भी सफल रही। अब तक उनकी तीनों फिल्मों की सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में पूरी तरह से बतौर सफल सिंगर एक्टर स्थापित कर दिया। वैसे एक दो फिल्म 1936 की ज्यादा नाम नहीं कर सकी थी, जैसे फिल्म आंसुओं की दुनिया। इस फिल्म में उनके सह कलाकार अनवरी और सरला ने काम किया था। इसके बाद साल 1937 की फिल्म जागीरदार, ये फिल्म भी हिट रही, मगर साल 1938 में रिलीज फिल्म ग्रामोफोन सिंगर बहुत ज्यादा सफल फिल्म बनी। इस फिल्म में भी इनकी जोड़ी बिब्बो के साथ देखने को मिली। साल 1938 में फिल्म ग्रामोफोन गायक के लिए काम करते समय सुरेंद्र की कार दुर्घटना हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। फिल्म ग्रामोफोन सिंगर रामचंद्र ठाकुर की पहली निर्देशित फिल्म थी, जिसे उन्होंने वीसी देसाई के साथ सह निर्देशित किया था। फिल्म में संगीत अनिल विश्वास ने दिया था, जिसमें सुरेंद्र ने बिब्बो और प्रभा के साथ अभिनय किया, जिन्होंने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। फिल्म रिलीज के बाद सुरेंद्र और बिब्बो एक लोकप्रिय जोड़ी बन गए। सुरेंद्र का गाना साल 1939 में इनकी तीन फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें सर्वोत्तम बादामी की फिल्म लेडीज ओनली, नंदलाल जसवंत लाल की फिल्म जीवन साथी और चिमनलाल लुहार निर्देशित फिल्म सेवा समाज थी। तीनों फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन सुरेंद्रनाथ के अभिनय कौशल की तारीफ दर्शकों ने करी। सुरेंद्र ने अपनी काबिलियत से यह साबित किया कि वो केएल सहगल साहब की परछाई नहीं है, उनमें खुद भी अपनी अलग प्रतिभा है, और आगे आने वाली फिल्मों में सिद्ध कर दिया। महबूब खान ने जब नेशनल स्टूडियो के लिए औरत फिल्म बनाई तो सुरेंद्र ने बड़े बेटे की भूमिका निभाई। आपको जानकर हैरानी होगी, औरत वो फिल्म थी जिसको महबूब खान ने दोबारा बनाया साल 1957 में मदर इंडिया के नाम से, और इसमें राजेंद्र कुमार का रोल ही उन्होंने फिल्म औरत में किया था। जब सागर मूवी टोन और जनरल फिल्म्स आपस में मर्ज हुए और नेशनल स्टूडियो की नींव पड़ी, तो महबूब खान ने सुरेंद्र को लेकर साल 1940 में दो फिल्में बनाई, जिनमें से एक थी फिल्म औरत और दूसरी अली बाबा। और यह फिल्म दो भाषाओं में बनाई गई थी, जिसे हिंदी और पंजाबी दोनों में बनाया गया था, जिसमें सुरेंद्र ने अली बाबा और उनके बेटे की दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का लोकप्रिय गीत हम और तुम और ये खुशी ये कह के ये दिल लगी था, जिसे सुरेंद्र और वहीदान ने गाया था। हम और तुम और ये खुशी ये कह कहे ये दिल लगी।
साल 1940 में फिल्म इंडिया मैगजीन के संपादक बाबूराव पटेल ने जून 1940 के अंक में बताया कि सुरेंद्र बॉम्बे टर्फ क्लब लॉन में सवारी करते समय घोड़े से गिर गए थे। वे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। उस समय अफवाहें उड़ी कि सुरेंद्र ने अभिनय से संन्यास ले लिया है। हालांकि खबरों में आई रिपोर्ट को खारिज करते हुए सुरेंद्र ने अपनी फिल्मों को पूरा करने के लिए लगभग 10 महीने के बाद वापसी की। इस फिल्म के बाद साल 1942 में रामचंद्र ठाकुर के निर्देशन में बनी फिल्म गरीब और साल 1944 में आई फिल्म लाल हवेली, जिसमें इनके साथ अभिनेत्री नूर जहां ने काम किया था। इसके अगले साल ही 1945 में 3 फिल्में रिलीज हुई, जैसे निर्देशक पीके आत्रे की फिल्म परिंदे, रामचंद्र ठाकुर की फिल्म आरती और सुरेंद्र देसाई की फिल्म रत्नावली मुख्य थी। बाद में जब महबूब खान ने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया तो उसकी पहली सुपरहिट फिल्म में भी सुरेंद्र नाथ ने अभिनय किया था और वो फिल्म थी साल 1946 की अनमोल घड़ी। इस फिल्म में 3 म्यूजिकल स्टार थे, सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया। फिल्म की कहानी सुरेंद्र को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। पत्रकार और लेखक रऊफ अहमद ने अपनी किताब महबूब खान में लिखा है, रंजीत स्टूडियोज के प्रमुख चंदूलाल शाह द्वारा पैदा की गई गलतफहमी के कारण महबूब ने शुरू में अनमोल घड़ी में सुरेंद्र को हीरो के रूप में नहीं लेने का फैसला किया था, लेकिन जब उनको कोई भी कलाकार इस फिल्म के लिए ठीक नहीं लगा तो फरदून ईरानी ने दोनों की नाराजगी दूर करवाई, तब जाके फिल्म अनमोल घड़ी बन सकी, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। साल 1946 में ही 2 और फिल्में भी आईं, जैसे निगार सुल्ताना और सुरैया के साथ मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक फिल्म 1857 और दादा गुंजाल की फिल्म पनिहारी। ये फिल्में फ्लॉप रहीं। इसके बाद साल 1947 में भी फिल्म निर्देशक मोहन सिन्हा की 2 फिल्में रिलीज हुई, जिनके नाम है चित्तौड़ विजय और मेरे भगवान। ये फिल्में उतना कमाल नहीं दिखा पाई, मगर साल 1948 में आई फिल्म ऐलान और अनोखी अदा थोड़ी सफल रही। एक बार फिर से आ जा, दिल में मेरे समा जा। महबूब खान ने सुरेंद्र को अनोखी अदा में नसीम बानू और प्रेम अदीब के साथ कास्ट किया। अनोखी अदा अनमोल घड़ी जैसा ही जादू बनाने में यह गाना केएल सहगल साहब की फिल्म देवदास के गाने बालम आए बसो मोरे मन में की धुन पर ही बनाया गया था। फिल्म अनोखी अदा निर्देशक महबूब खान और अभिनेता सुरेंद्र की जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने फिर कोई दोबारा फिल्म नहीं किया। क्यों उन्हें दिल दिया, हाय ये क्या किया। सुरेंद्र नाथ ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब स्टूडियो सिस्टम होता था, लेकिन सुरेंद्र की फिल्मों पे नजर डाले तो 40 के दशक में उन्होंने अलग अलग स्टूडियोज और डायरेक्टरों के साथ काम किया था। 1943 की फिल्म पैगाम अमर पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म विश्वकन्या रंजीत स्टूडियो की, फिल्म विश्वासवाड़िया मूवीटोन की और लाल हवेली बॉम्बे सिनेटोन की थी। अब जो मन ढूंढे प्रेम न दे। कहते हैं जब महबूब खान ने अपना प्रोडक्शन बनाया तो सुरेंद्र ने भी फ्रीलांसर की तरह काम करना शुरू कर दिया था। 50 का दशक आते आते उन्होंने भी मैच्योर रोल करने शुरू कर दिए थे। साल 1952 की बैजू बावरा और 1954 की गवैया जैसी कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो वो बहुत सी फिल्मों में हीरो हीरोइन के पिता की भूमिका में नजर आने लगे थे। दिल देखे देखो, हरियाली और रास्ता, गीत गाया पत्थरों ने, मिलन, सरस्वती चंद्र, दाग, 36 घंटे जैसी फिल्मों में वो चरित्र भूमिकाओं में नजर आए। अभिनेता सुरेंद्र की आखिरी फिल्म थी अभी तो जी ले, जो 1977 में रिलीज हुई थी। कहते हैं इसी फिल्म के बाद इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था और उसके बाद इन्होंने अपनी एक एड एजेंसी डाली सुरेंद्र फिल्म्स प्रोडक्शंस के नाम से, जिसका 2 बार नाम बदला गया। पहली बार नाम रखा गया जेके एडवर्टीजमेंट, फिर हो गया FAR प्रोडक्शंस, जिसे बाद में उनके बेटे जितेंद्र और कैलाश ने चलाया। उनके बेटे जितेंद्र और बेटी रोहिणी पिंटो भारतीय विज्ञापन कंपनी FAR कमर्शियल का प्रबंधन करते हैं। उनके छोटे बेटे कैलाश और एक विज्ञापन फिल्म निर्माता और कैलाश पिक्चर कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने अभिनेत्री आरती गुप्ता से शादी की है। अगर इनके विवाह की बात करें दोस्तों, तो सुरेंद्र नाथ का विवाह 3 मार्च 1945 को लाहौर में सत्य ऋषि से हुआ था।
सत्य ऋषि लेखक तिलक ऋषि की बहन थी। सुरेंद्र और सत्या के चार बच्चे थे, दो बेटियां और दो बेटे, सुनीता, जितेंद्रनाथ, कैलाश और रोहिणी। दूरदर्शन पर जो अलग अलग भाषाओं में मिले सुर मेरा तुम्हारा का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो उनके बेटे कैलाश सुरेंद्रनाथ ने ही बनाया था। 11 सितंबर 1987 को सुरेंद्र 76 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी फिल्मी जीवन में लगभग 65 फिल्मों में काम किया और 5 फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की थी। सुरेंद्र ने अपनी मृत्यु से कई साल पहले कोलगेट और लिरिल जैसे बड़े ब्रांडों के लिए विज्ञापन फिल्में और टेलीविजन विज्ञापन बनाना शुरू किया था। दोस्तों, आज शायद उनके बारे में कोई न जानता हो, लेकिन क्या उनके गाए वो गीत भुलाए जा सकते हैं? लेकिन उनके द्वारा गाए हुए गीत जब तक जिंदा है उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। फिल्म जगत में उनका योगदान अतुलनीय है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे साझा कर सकते हैं और इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी हो हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हो आप सबसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।